यूनिट सेक्टर 40 ने दो शातिर मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो शहर के पोश इलाकों में खिलौना पिस्तौल की मदद से दर्जनों मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस से एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए स्नैचर सूरज और रोहित दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले हैं। ये दोनों दिल्ली एनसीआर में दर्जनों मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि दरअसल सेक्टर 56 के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दी थी कि दो स्कूटी सवार युवकों ने पिस्तौल के बल पर उनका पर्स, मोबाइल व अन्य कीमती सामान लूट लिया और इस मामले की तफ्तीश क्राइम यूनिट सेक्टर 40 को सौंपी गई थी। पुलिस की तफ्तीश में यह साफ हुआ कि मोबाइल स्नैचिंग का मास्टरमाइंड सूरज अपने अन्य साथी के साथ स्कूटी पर सवार होकर शिकार की तलाश में हर दूसरे तीसरे दिन पोश इलाकों में मोबाइल, पर्स व अन्य कीमती सामान को लूट कर फरार हो जाता था, जो कि पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा था। बहरहाल पुलिस ने इनके कब्जे से स्नैचिंग किए 12 मोबाइल, खिलौना पिस्तौल व वारदात में इस्तेमाल स्कूटी को बरामद कर सारी वारदातों का खुलासा कर दिया। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए शातिर मोबाइल स्नैचर्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया। वहीं एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो क्राइम ब्रांच इनके नेक्सस को क्रैक करने में जुटी है। बताए सर, ये दिनांक 25 मार्च को सेक्टर 56 के इलाके में एक लड़का जो साहिल नाम का था, वो अपने फ्रेंड से मिलने एक पीजी में आ रहा था और सेक्टर 57 के पार्क के पास जब वो खड़ा था तो उसके पास दो स्कूटी सवार आए। उन्होंने पहले उससे रास्ता पूछा और फिर उसको हथियार दिखा के और उसका मोबाइल लूट के ज़बरदस्ती लेके और भाग गए स्कूटी पे, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने की और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए दो लोग हमने अरेस्ट किए जिनके नाम सूरज और रोहित हैं, जो दोनों संगम विहार दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने हमारे यहाँ गोरगांव में कम से कम दो दर्जन वारदात करनी स्वीकार की हैं, फ़ोन छीनने की। लगातार ये इस कार्य में संलिप्त थे और हमने इनसे जो प्रयोग की गई स्कूटी थी जिस पे ये वारदात करते थे वो बरामद कर ली है और 12 मोबाइल हमने जो छीने हुए थे इनसे वो बरामद कर लिए हैं। और अब इन्वेस्टिगेशन इस केस की पूरी होने पर कोर्ट में पेश करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में कितनी वारदात हैं कौन जानती है सर, और गैंग में कितने लोग शामिल हैं? ये दो ही लोग शामिल थे और दिल्ली में भी इनकी कुछ वारदात हैं और वहाँ पे भी ये रहते हैं क्योंकि दिल्ली में है, वहीं से वारदात करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हथियार की भी बरामदगी है जो ये दिखाते हैं, ये एक वो लाइटर टाइप का वो वेपन दिखाते थे जो रात को आदमी को असल हथियार ही नज़र आता है और उसके सारे आदमी को डरा के और इस तरह की लूटपाट करते। कौन कौन से इलाकों को टारगेट किया सर? ये गुड़गांव के कई इलाकों में, एक स्पेसिफिक इलाका नहीं था, जहाँ पे भी इनको मौका मिलता था वहीं मारता था। मोबाइल कौन सी मार्केट में बेचते थे सर? दिल्ली में बेचते। क्या उन लोगों की पहचान हो पाई है? हाँ, वो पहचान हमने कर ली है और उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर